हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। स्टूडेंट, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्लास नाइन्थ और इलेवेंथ के बेसिस पे आपका ये चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन स्टार्ट करने से पहले इसमें हम कुछ ऐसी बेसिक चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे जिनको पढ़ना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तत्पश्चात जो भी किंगडम है उसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर का नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। क्या नाम है? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन मीन जीवों में विविधता। किस तरीके से जीवों में विविधता है? सपोज दैट यहाँ पर एक टर्म लगा है बायो। बायो मीन्स होता है लिविंग, ठीक है। मीन्स जीवों में किस प्रकार से विविधताएं होती हैं, किस प्रकार के डिफ्रेंसिएशन होते हैं उसके बारे में करेंगे। क्लासिफिकेशन मतलब होता है वर्गीकरण, ठीक है, या विविधता हम बोल सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि जीव में किस प्रकार की विविधताएं होती हैं तो क्लासिफिकेशन क्या होता है, व्हाट इज क्लासिफिकेशन, हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्लासिफिकेशन क्या है, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। मीन जैसे कि सपोज दैट हम यहाँ पर मान लें कोई तीन वर्ग हैं, यहाँ पर नाइन्थ है, टेंथ है, इलेवेंथ है, ट्वेल्थ है। जो भी कंडीशन होती हैं, कहने का मतलब नाइन्थ और इलेवेंथ और ट्वेल्थ की, उसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे कि इन जीवों को अगर हम डायरेक्ट लिया, हम कह सकते हैं इन स्टूडेंट को डायरेक्ट हम ले जाकर इलेवंथ में बैठा दें या हम डायरेक्ट इनको ले जाकर के ट्वेल्थ में बैठा दें, तो क्या होगा कि इनके अंदर जो आईक्यू लेवल होगा, जो समझने की क्षमता होगी, जो भी चीज़ें होंगी वो ट्वेल्थ के लेवल में नहीं आ सकती। मीन्स उनको समझने में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। उसी प्रकार से अगर इसमें हम कॉर्निबोर्स जीवों को ले लेते हैं, इसमें हर्बीवोर्स जीवों को ले लेते हैं, या जो भी जीव हैं अगर इनको हम इनके साथ रख देंगे तो जो छोटे ऑर्गेनिज्म हैं वो तो बड़े ऑर्गेनिज्म को किल कर लेंगे, खा लेंगे। तो इसी प्रकार से क्लासिफिकेशन बनाया गया। क्या बनाया गया? क्लासिफिकेशन बनाया गया और ये बताया गया कि क्लासिफिकेशन होता क्या है। इस क्लासिफिकेशन को देने के लिए अलग अलग साइंटिस्टों ने अपना अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन दिया है, मीन्स अलग अलग अपना मत दिया है। सबसे पहले अगर हम बात करें कि क्लासिफिकेशन क्या है, तो जीवधारियों को उनके लक्षणों के बेसिस पे, किसके, करैक्टर के बेसिस पे, ठीक है, किसके बेसिस पे, करैक्टर के बेसिस पे, लक्षणों के बेसिस पे, और हम कह सकते हैं हैबिटेट। हैबिटेट मतलब होता है वास स्थान, ठीक है। तो जीवधारियों को उनके लक्षणों अथवा उनके वास स्थानों के आधार पर अलग अलग समूहों में डिवाइड करना, मीन्स बांटना ही क्या कहलाता है, क्लासिफिकेशन कहलाता है। बहुत सिंपल डिफिनेशन है, जीवधारियों को उनके लक्षणों अथवा वास स्थानों के आधार पर अलग अलग समूहों में बांटना ही क्या कहलाता है, क्लासिफिकेशन कहलाता है, वर्गीकरण कहलाता है, क्लियर। अब इस क्लासिफिकेशन को देने के लिए हमने बताया कि डिफरेंट टाइप के साइंटिस्टों ने, मतलब कई साइंटिस्टों ने अपना जो है कॉन्स्टिट्यूशन दिया है, अपना क्या दिया है, मत दिया है, ठीक है। सबसे पहले अगर देखा जाए तो एक वैज्ञानिक थे अरिस्टोटल। कौन वैज्ञानिक थे? अरिस्टोटल, जिनको हम फादर ऑफ बायोलॉजी या हम बोल सकते हैं एंड जूलॉजी, बायो या हम बोल सकते हैं जूलॉजी, ठीक है। तो जिनको हम फादर ऑफ बायोलॉजी और जूलॉजी भी बोलते हैं, इन्होंने क्या बताया, देखो मैंने आपको ये बताया कि इस क्लासिफिकेशन को देने के अलग साइंटिस्ट, तो यहाँ पर सबसे पहले जो साइंटिस्ट हैं वो अरिस्टोटल हैं। कौन से हैं? अरिस्टोटल हैं। इन्होंने बताया कि हमारे पूरे वर्ल्ड में देखा जाए, कहाँ देखा जाए, हमारे पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो दो ही जगत हैं। एक इन्होंने बताया प्लांट किंगडम और दूसरा इन्होंने बताया एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम, ठीक है। एनिमल किंगडम मीन्स क्या होता है? जंतु जगत। और प्लांट किंगडम मतलब क्या होता है? पादप जगत या पौधे, ठीक है। तो इन्होंने क्या बताया कि हमारे पूरे वर्ल्ड में दो ही जगत हैं, एक प्लांट किंगडम है और एक एनिमल किंगडम है। इसी में जितने भी प्लांट होते हैं सबको इसी में रख दिया जाए और जितने एनिमल है सबको इसमें रख दिया जाए। लेकिन इसमें ये डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे थे कि कौन सा ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेटिक है। फोटोसिंथेटिक मतलब क्या होता है? फोटो मीन्स होता है लाइट। क्या होता है? लाइट। एंड सिंथेसिस मतलब होता है फॉर्मेशन करना। क्या करना? फॉर्मेशन। फॉर्मेशन मतलब क्या होता है? बनाना होता है। क्या होता है? बनाना।
मीन्स जो ऑर्गेनिज्म लाइट के प्रेजेंट में अपने फूड का प्रिपरेशन करते हैं उनको हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। और ये नहीं बता पा रहे थे कौन से ऑर्गेनिज्म नॉन फोटोसिंथेसिस। नॉन मीन्स क्या होता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो लाइट के प्रेजेंट में अपने फूड का प्रिपरेशन नहीं कर सकते उसको हम बोलते हैं नॉन फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस मतलब जो प्रकाश की उपस्थिति में अपने भोजन का निर्माण करते हैं, जो प्रकाश की अनुपस्थिति में अपने भोजन का निर्माण करते हैं वो नॉन फोटोसिंथेसिस हैं। इसमें अगर हम फॉर एग्जांपल लें तो जो है आपके ग्रीन प्लांट्स हो सकते हैं, ग्रीन प्लांट मतलब हरे पेड़ पौधे, क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, पाणिल पाया जाता है, ठीक है, जिसके कारण पौधे हरे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें डिफरेंशिएशन नहीं हो पा रहा था, इसलिए नेक्स्ट साइंटिस्ट आए कौन से आए, कैरोलस लीनियस आए। कौन आए, कैरोलस लीनियस। दूसरे साइंटिस्ट कौन आए, कैरोलस लीनियस, कैरोलस लीनियर, ठीक है। हिंदी में इनको लीनियस पढ़ते हैं और इंग्लिश में कैरोलस लीनियर पढ़ते हैं। इन्होंने भी बताया कि हमारे वर्ल्ड में दो ही जगत हैं, ठीक है, कितने जगत हैं, दो ही जगत हैं, कौन, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। इन्हीं को ही फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, वर्गीकरण के पितामह कहा जाता है कैरोलस लीनियस को। इन्होंने भी बताया कि हमारे जगत में दो ही जगत है, प्लांट किंगडम, दूसरा एनिमल किंगडम, ठीक। लेकिन नेक्स्ट साइंटिस्ट आ गए, अगले साइंटिस्ट आए कोपलैंड। कौन आए, कोपलैंड। इन्होंने बताया कि हमारे पूरे वर्ल्ड में दो जगत ना होकर के तीन जगत होते हैं। दो जगत तो आपने जान लिया, एक प्लांट किंगडम, दूसरा एनिमल किंगडम। इन्होंने एक और जोड़ दिया, किंगडम, किंगडम प्रोटिस्टा। क्या जोड़ दिया, किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा मीन्स जगत प्रोटिस्टा में इन्होंने बोला कि हमारे वर्ल्ड में दो जगत ना होकर के तीन जगत होते हैं। मीन्स जो किंगडम प्रोटिस्टा होता है उसमें ऐसे ऑर्गेनिज्म आते हैं जो सिंगल सेल के बने होते हैं, सिंगल सेल यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स मतलब जिनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस आर प्रेजेंट, ठीक है। तो इस प्रकार से इन्होंने आगे चल करके बताया कि हमारे पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो तीन ही जगत हैं। बट कुछ समय बाद एक वैज्ञानिक नेक्स्ट और आ गए, जिनका नाम है अर्नेस्ट मायर। क्या नाम है, अर्नेस्ट मायर। अर्नेस्ट मायर आए और अर्नेस्ट मायर ने बताया कि हमारे जगत में तीन किंगडम ना होकर के चार किंगडम होते हैं। कितने किंगडम होते हैं, चार किंगडम होते हैं, ठीक है। एक प्लांट किंगडम, दूसरा एनिमल किंगडम और तीसरा आपने किंगडम प्लांट ही पढ़ा ही। इन्होंने एक और ला करके जोड़ा, किंगडम मोनेरा। तो चार हो गए, कितने हो गए, चार। मोनेरा में किसको रखा गया है, मोनेरा मतलब क्या होता है, आल बैक्टीरिया, मतलब जिनमें सभी जीवाणुओं को रखा जाता है, ठीक है। इसमें हम डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया पढ़ते हैं, जैसे कोकस बैक्टीरिया है, रॉड शेप बैक्टीरिया है, ठीक है, स्पायरुलम है, कॉमस से बिब्रियो है। तो ये सब जो है, जो यहाँ पर किंगडम बनाया गया को अर्नेस्ट मायर, उसको मोनेरा जगत में छोड़ा, ठीक है। लेकिन जो हम सब लोग पढ़ते हैं, ये तो हमने आपको बताया कि क्लासिफिकेशन देने के लिए डिफरेंट साइंटिस्टों ने अपना कॉन्स्ट्रीब्यूशन दिया है, लेकिन सबको ना पढ़ करके हम जो पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं फाइव किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। क्या पढ़ते हैं, फाइव किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये हमसे पूछा भी जाता है क्वेश्चन कि पांच जगत वर्गीकरण देने वाले साइंटिस्ट कौन है, वो है आर एच बीटेकर। कौन है, आर एच बीटेकर, ठीक है। आर एच बीटेकर ने 1969 में ही, 1969 में क्या दिया था, पांच जगत वर्गीकरण दिया था, ठीक है। कौन कौन दिया था, इन्होंने क्रम से लगाया था, किंगडम मोनेरा है, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ समझ लीजिएगा। दूसरा है किंगडम प्रोटिस्टा और तीसरा इन्होंने क्रम से सेट किया किंगडम फंजाई एंड जो चौथा है किंगडम आपका प्लांटी और जो आपका पांचवा है किंगडम एनिमिलिया है। इस प्रकार से इनका ये सीरियल है। तो नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट हम आपको किंगडम मोनेरा पढ़ाएंगे। तो आपको इसलिए बेसिक पढ़ाया गया क्योंकि इसमें से आपको ये पता होना चाहिए कि क्लासिफिकेशन देने के लिए कितने वैज्ञानिकों ने अपना कॉन्स्ट्रीब्यूशन दिया, इसलिए मैंने आपको ये जो है आज बेसिक ऑर्गेनाइजेशन बताया है। नेक्स्ट क्लास में हम आपको किंगडम मोनेरा पढ़ाएंगे, ठीक है।
तो सर आपको यहाँ तक अच्छे से पढ़ना है, नहीं भी आपको इसमें कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं।